आज हम पढ़ेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 77। क्लास यहाँ पर लिखी नहीं है, क्लास आपकी है नाइन्थ। ये नाइन्थ क्लास के है और इंग्लिश मीडियम के मैथ्स के आंसर्स हैं। ये सिर्फ आंसर्स आंसर्स मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले है आपको फर्स्ट का आंसर आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड का आपका आंसर आएगा 125%। थर्ड का आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर और फोर्थ का आएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऊपर के जो फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चंस थे, ये आपके एमसीक्यू थे, ठीक है। तो एमसीक्यू जो थे वो आपको मैंने बता दिए हैं उन चारों के आंसर्स। आगे हमें फिफ्थ टू टेंथ में हमें अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने थे। तो जो सॉल्व करने थे उसके बता रही हूँ मैं। ये देखिए, फिफ्थ है लेट हाइट ऑफ द वॉल। तो इसमें आप HM ले लेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर ले लेंगे, एल इन टू बी में हमारा लेंथ जो है वो 20 है और ब्रेथ जो है 16 है, ठीक है। तो जब आप इनको लेंगे तो आपका आएगा 320। अब एरिया सेम यही चीज़ यहाँ पर उतरेगी, एरिया ऑफ फ्लैट रूफ का है 20 × 16, जिसका आपका चेंज हो जाएगा 320 मीटर स्क्वायर में। आगे हम लिखते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। चार वॉल्स की जो एरिया ले लेंगे हम, उसका फॉर्मूला दिखाया हुआ है। एरिया ऑफ फ्लोर में हम प्लस कर देंगे एरिया ऑफ फ्लैट रूफ का, तो 2L + BH इज इक्वल्स टू, इनको हम प्लस कर देंगे। तो जब हमारे 20 + 16 H होगा तो यहाँ पर इन्हें प्लस करके हमारा आंसर जाएगा 640। 236H में हम 640 ले लेंगे, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 72H आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 640 आ जाएगा। तो H जो है हमारा 640 आ गया। 640 में तब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, 72 नीचे रख देंगे हम, ये 72 यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.88 मीटर। तो हाइट ऑफ हॉल क्या आ जाएगा हमारा, ये 8.88 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका फिफ्थ का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर मैं आपको दिखाती हूँ सिक्स्थ। तो देखिए ये रहा सिक्स्थ में, हमने कर दिया लेट लेंथ 2x। इसमें हमें 2:3, इसमें हमें दिखाया गया था कि हमें दिया हुआ था 2:3:4, तो रेशो में दिए थे तो हमने इनको लेट कर लिया। लेंथ 2x कर दी, ब्रेथ 3x कर दी और हाइट 4x कर दी। सरफेस एरिया ले लेंगे हम, सरफेस एरिया हमने लिया 2 LB BH और HL, इनको हम प्लस कर लेंगे और जो LB है इनके बीच में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, प्लस कर देंगे, यहाँ पर जो प्लस है वो नीचे आ जाएगा 3x। ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये बच्चों आपका मल्टीप्लाई का साइन है, ये आप ठीक कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा 2 हमने नीचे ले लिया, इसको सॉल्व किया हमने, हमारा आया 6x² + 12x² + 8x². फिर हमने इसको सॉल्व किया, हमारा आया 2x = 26 × 2। नेक्स्ट हमारा आंसर आया 52x², ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। फिर हमने किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में 4.50 को इंटू कर देंगे 52x² से और माइनस कर देंगे 4x 52x² से, तो हमारा आया 416। 234x² को हमने माइनस किया 208 से, तो x² में हमारा आया 416। तो 26 को 416 से रखा, x² हमने बाहर ले लिया और इसको इससे डिवाइड में सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर आया 16। तो x = √16 हमारा आंसर आया। फिर हमने नेक्स्ट किया लेंथ, लेंथ हमारी आई 2x को हमने सॉल्व करा 2 × 4 में, तो हमारा आया 8x। ब्रेथ को हमने सॉल्व करा 3x को लिया हमने 3 × 4 में, तो हमारा 12 सेंटीमीटर। और हाइट निकालनी थी तो हाइट 4x का 4 × 4, तो यहाँ पे आया हमारा 16 सेंटीमीटर। तो हमने 2, 3 और 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमें हमारे आंसर आ गए। तो ये देखिए, लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 और हाइट 16 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर कंप्लीट। 6 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस बार हमारी वर्कशीट थोड़ी लंबी है, चलिए तो मैं आपको 7th का आंसर दिखाती हूँ। देखिए 7th का आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट है, ये देखिए यहाँ से दिखा देती हूँ। ये इतना जो है ये ऊपर
सॉरी सिक्स का आंसर है, ये इतना ऊपर जो है ये सिक्स का आंसर है। यहाँ से हमारा सेवन्थ का स्टार्ट है। लेंथ हमारी 20 मीटर आ गई, ब्रेथ 15 मीटर आ गई और हाइट 4 मीटर। तो एरिया ऑफ फ्लोर एंड वॉल का ले लेंगे 2h, यहाँ पर हमने ले लिया 2h l प्लस बी और प्लस में l इंटू बी, ये हमने फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, आगे देखते हैं उसके आगे का। तो 2 इंटू 4 हमने किया 20 प्लस 15, जो हमने पीछे जो फॉर्मूला लिया था उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने 2 4 8 इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। फिर हमने 280 में प्लस कर दिया 300, तो हमारा 500 मीटर स्क्वायर आया। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग पर मीटर स्क्वायर को हमने सॉल्व किया, यहाँ पर इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, यहाँ पर यही शब्द आएंगे तो मैंने ये लगा दिया। ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर इसलिए लगाए हैं मैंने, तो पर की जगह मैंने लिख दिया 580 मीटर स्क्वायर। तब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 6960 रुपीज़। तो ये हमारे रुपीज़ आ गए, ये हमारा आंसर हो गया सेवन्थ का। सेवन्थ भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं दिखाती हूँ आपको आंसर नंबर 8। नंबर 8 में मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये रहा आंसर। 8 में हमारा दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा। तो ये देखिए, लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस की लेंथ क्या है, इज इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर। ब्रेथ की हमारी ऑफ आएगा, ग्रीन आएगा, हाउस आएगा, यहाँ पर भी सेम आएगा, तो मैंने यही लिख दिया। बी हमारी 25 सेंटीमीटर है, एच हमारी 25 सेंटीमीटर है। तो फिर हमने इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया तो हमारा आया एरिया ऑफ ग्लास, हमने लिखा, हमने ये इसका फॉर्मूला लिखा, फिर इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आया। उसके बाद हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सेकंड हमारा आता है टोटल एजेस, टोटल एज कितने हैं 12। टोटल लेंथ ऑफ टेप, टेप की तो टोटल लेंथ क्या है 4L, प्लस में 4B और 4H ले लिया। फिर हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने इक्वल्स टू 120 प्लस 100 प्लस 100 का, तो हमारा आंसर आया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये 8th का सेकंड पार्ट है और ये 8th का फर्स्ट पार्ट है, तो हमारा 8th आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ 9th आंसर। हमारा 9th आंसर थोड़ा लॉन्ग है, तो देखिए 9th का आंसर है लेट हाइट ऑफ द रूम, रूम की हाइट ले ली हमने hm, लेंथ की हाइट हमने ले ली 2h, ब्रेथ इतनी ले ली, इसका फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला को हमने एरिया ऑफ फोर वॉल में कन्वर्ट किया तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा, जिसका हमारा आंसर आया 102 मीटर स्क्वायर। फिर हमने सेम यहाँ पर उतार दिए ये एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है, तो हमारा आंसर 2L प्लस बी इंटू एच। फिर आया हमारा 112 इज इक्वल्स टू, इसको हमने सॉल्व करने के लिए लिया, सॉल्व किया हमने इसको तो हमारा आंसर ये आया। फिर हमने इसको 7 को नीचे लिया और 112 को ऊपर, हमने इसे सॉल्व किया, हमारा H2 कितना आ गया 16, H2 हमारा 16 आया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर हमने यहाँ पर किया H को हमने ले लिया अंडर रूट 16 का स्क्वायर, लेंथ हमने 2H इज इक्वल टू 2 इंटू 4 ली, हमारा आया 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने 3/2H ली, तो जब हमने इसको सॉल्व करा 2 1 2 2 2 4, तो हमारा आंसर आया 6 सेंटीमीटर। हाइट हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमें पता चल गई अब। तो ये था आपका आंसर नंबर 9। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 10 दिखाती हूँ मैं आपको, ये थोड़ा लॉन्ग है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ से 10th स्टार्ट है, पर इतना जो है ये ऊपर 9th का है। ठीक है, तो आप ये मत देखिएगा, ये 9th का है। ठीक है, यहाँ पर 10th का आंसर यहाँ से स्टार्ट है। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये वाला पार्ट यहाँ पर आएगा। फिर हमने 11 लिया, लेंथ ऑफ डायगोनल क्यूबॉइड हमारी 11 थी तो मैंने 11 लिया, उसके आगे हमने ये फॉर्मूला लगाया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग में ली तो हमारा यहाँ पर आया 121 लेंथ स्क्वायर, ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो फिर इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। फिर हमने लिया एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 19, तब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, आप इसको ठीक से लिखिएगा। ठीक है, बाई चांस वो हो गया है। तो उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा आया 19 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। फिर हमने इसको फॉर्मूला लिया यहाँ पर, फिर उसको सॉल्व करने के लिए हमने सॉल्व किया,
सॉल्व किया टू एल बी बी एच एच एल इज इक्वल्स टू 40। ये एक ही लाइन दो बार लिख दी गई है, तो आप इसको एक ही बार लिखिएगा, सिर्फ ये वाली लिख लेना, ठीक है, ये बाई मिस्टेक रिपीट हो गई है। फिर आगे हमें दिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हमें दिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है, आंसर कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट थी क्लास 9 की, जिसके मैंने आंसर्स दिखाए आपको सिर्फ। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, सिर्फ आंसर्स है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।